करनाल को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम करनाल व जेबीडी कल्याण समिति की ओर से एक नई पहल की गई है, जिसके अंतर्गत जेबीडी कल्याण समिति नगर निगम व अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर पूरे शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके चलते एक ऐसी कंपनी से संपर्क किया गया है जो पॉलिथीन का विकल्प दुकानदारों के सामने रखेंगे। उन्होंने बताया कि एजेंसियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि वह ऐसा पॉलिथीन तैयार करे जिससे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। उन्होंने कहा कि एक कंपनी द्वारा पॉलिथीन का विकल्प तैयार किया गया है और ऐसे पॉलिथीन के लिफाफे बनाए गए हैं जो मक्का की फसल से तैयार किए जाएंगे। राजीव मेहता ने कहा कि इस अभियान से किसानों में धान की फसल चक्र से निकलकर मक्का की ओर भी रुझान बढ़ेगा एवं उनको प्रयोग करने के बाद नष्ट आसानी से किया जा सकता है। इस लिफाफे से कोई भी पशु अगर निगल लेता है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। नगर निगम के कमिश्नर राजीव मेहता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जो नई एजेंसियों द्वारा लिफाफे तैयार किए गए हैं, जिनको छोटे छोटे दुकानदारों को उपलब्ध करवाया जाएगा और उनका रेट भी छोटे दुकानदारों को देखते हुए उचित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पॉलिथीन के विकल्प से पॉलिथीन उन्मूलन अभियान को सफलता मिलेगी और करनाल पॉलिथीन रहित हो जाएगा। राजीव मेहता ने बताया कि करनाल की विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस मौके पर जेबीडी समाज कल्याण समिति के चेयरमैन भारत भूषण कपूर ने भी पॉलिथीन रहित करनाल बनाने का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। नगर निगम की ओर से लोगों से अपील की गई है कि कोई भी खाने पीने की वस्तु पॉलिथीन के लिफाफे में ना ले, क्योंकि इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। उन्होंने कहा कि नगर निगम और समाज समिति द्वारा मिलकर नई शुरुआत की गई है, जिसके तहत दुकानदारों को पॉलिथीन का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा। छोटी छोटी वस्तुएं नमक मिर्च जीरा आदि के लिए भी छोटे छोटे उन्होंने विकल्प तैयार किए जाएंगे, ताकि स्मार्ट सिटी करनाल को पॉलिथीन रहित बनाया जा सके और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। इस मौके पर पॉलिथीन का विकल्प देने वाली कंपनियों के पदाधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर नीरज कुमार भी मौजूद रहे। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया जी कि जेबीडी ग्रुप के साथ हम एक नई पहल करने जा रहे हैं। अपनी करनगरी करनाल एक सुंदर स्वच्छ नगरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारी हेडेक है वो है पॉलीथीन। एक ऐसा पदार्थ जो हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा रच गया है कि उसके बिना हमारा जीवन हमें लगता है अधूरा है। कहीं हमने जाना है, जेब से निकाला, लोगों से लिया, सामान लिया और घर आ गए, देन उसके बाद आकर अच्छी चीज़ थी उसको सदुपयोग किया जा सकता था, लेकिन हम क्या करते हैं उसको नाली में बाहर गली में फेंक देते हैं। धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे इकोसिस्टम का, हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती है, चाहे वो नाली से या ज़मीन से कहीं जाके वो सेटल हो जाती है। सड़ती गलती है नहीं, कई साल लग जाते हैं, कई साल क्या, साइंटिफिकली तो ये कहा जाता है कि हज़ारों साल में वे वैसी की वैसी रहती है और इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आज तो इसका और ज़्यादा दुरुपयोग ये हो गया कि ये हमारे फूड चेन का हिस्सा बन गया है। इसे माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, वो टूटने के बाद ये सी में और रिवर्स में चला जाता है, फिर उसे फील्ड्स में और हमारे फूड चेन में एक धीरे धीरे आता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, कैंसरस है। इसको प्रूव हो चुका है कि जलाने से इसके जो धुआं निकलता है वो कैंसर कॉज करता है। जला नहीं सकते इसको, गाल नहीं सकते इसको, सड़ा नहीं सकते, इसीलिए इसका विकल्प एक ही है, जैसे धीरज ने कहा कि सबसे पहले तो लोगों को ये चाहिए कि वो अपने वही पुरानी पद्धति जो है कपड़े के थैले, चाहे घर से सिए हों या बाजार से खाने वाले लें, उसमें पॉकेट्स हों, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए पॉलीथीन हमें चाहिए होगा, जैसे फूड वाला है कोई वो खाना डाल देता है, या कोई हमें दाल लेनी है, मसाले लेने हैं, उसके लिए छोटे पॉलीथीन चाहिए होंगे। रेट का फ़र्क ज़रूर है, हमारा काम कोई कंपनी के किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है, सिर्फ ये है कि लोगों की एक आदत डालने की बात है। उस आदत के लिए अगर हमारे साथ समाजसेवी संस्थाएं जुड़े, जैसे कपूर साहब जुड़ रहे हैं, तो एक लोगों में जागृति आती है और उस जागृति को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम हमारे चौथे स्तंभ का है, जो जर्नलिस्ट हैं वो एक अच्छा सहयोग दे सकते हैं। अगर ये बताया जाए, बार बार लिखा जाए कि ये पॉइजन है, ये खतरनाक है, आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए घातक है, इसको छोड़िए, अगर 50-60 पैसे का फ़र्क भी पड़ता है तो वो आपकी ज़िंदगी से, आपके बच्चों से ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और जैसे कि कंपनी में मिस्टर जैन बता रहे थे कि अभी ये कॉस्टली है, नया नया बना है, जैसे ही इसका प्रचलन होगा, लोग यूज़ में लाएंगे, तो निश्चित तौर पर इसका भाव भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात कि हम किसानों की बात करते हैं, तो किसानों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा
एक एक्स्ट्रा हम उनको फाइनेंशियल रास्ता देंगे जिसमें कि वो प्रमोट करें कि वो जीरी छोड़कर, जो वो जीरी और गेहूं का चक्र है जिसमें इतना पानी लग रहा है, क्योंकि अगर इस सीजन में कोई और क्रॉप है जो जीरी को खत्म करती है तो वो सिर्फ मेज है, क्योंकि 60 दिन में दो बार तीन बार इसकी आप क्रॉप ले सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट हमारा विकल्प है। आपके माध्यम से लोगों से भी यही कहूँगा, कृपया हमें सहयोग दें। पहले तो अपना थैला रखें, वो लेके घर से जाएं, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर थोड़ा सा हिचके नहीं, डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल ऐसा लिफाफा पूछें दुकानदार से कि क्या ये सड़ गलने वाला लिफाफा है, नहीं है तो भैया तेरी दुकान से सामान नहीं लेंगे, हम तो अपने बच्चों की सेहत की खातिर उसी दुकान पे जाएंगे जिसके पास ऐसा एक लिफाफा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।